लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ओबीसी आरक्षण रद्द होने को लेकर रायगढ़ बीजेपी ने आज पनवेल में विरोध प्रदर्शन किया। रायगढ़ उत्तर के जिलाध्यक्ष विधायक प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने यहाँ पनवेल हाईवे पर चक्का जाम किया और उद्धव सरकार को नाकाम सरकार करार देते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, बाद में जिन्हें छोड़ दिया गया। बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी और मराठा समाज को आरक्षण दिलाने में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी समाज का आरक्षण बहाल नहीं हो जाता, बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण रद्द होने से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आज महाविकास आघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पनवेल में चक्का जाम आंदोलन चलाया। रायगढ़ बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पनवेल हाईवे पर चक्का जाम किया और उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के तीव्र मोर्चे से घबराई पुलिस ने युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने कहा कि उद्धव सरकार ने 15 महीनों तक ओबीसी आरक्षण की फाइल को उलझा कर रखा, इंपीरियल डेटा नहीं पेश किया, जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार हर मोर्चे पर फेल होती दिख रही है, इसलिए जब तक ओबीसी और मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। निर्निराळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे 50% वरचं आरक्षण होतं, ते आरक्षण सरकारच्या माध्यमातून रद्द करण्याच्या संदर्भामधली या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टातली याचिका होती, त्या बाबतीत काही कारवाई केली गेली नाही आणि त्याची परिणती आज महाराष्ट्रातलं ओबीसीचं सगळ्याच्या सगळं या ठिकाणी आरक्षण होतं, राजकीय आरक्षण हे रद्द होण्यामध्ये झालेली आहे। या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं ज्या पद्धतीनं सरकार म्हणून काम करायची आवश्यकता होती, ते सरकार म्हणून काम न करता केवळ या ठिकाणी नौटंकी करण्यामध्येच
या ठिकाणी स्वतःचा वेळ दवडला. 18 महिने सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयानं वेळ देऊन या सरकारनं कोणती कृती केली नाही आणि त्याच्यामुळं आज हे आंदोलन अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आम्हाला महाराष्ट्रात एकाच वेळेला 1000 ठिकाणी करावं लागलेलं आहे. पण जोपर्यंत हे ओबीसी आरक्षण पुनर्जीवित होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. लोणावळ्यामध्ये जे चालू आहे त्याला काही परिषद गोलमेज परिषद म्हणण्यापेक्षा नौटंकी म्हणावं लागेल. कारण या राज्याचे मंत्री ज्यांच्यावरती जबाबदारी आहे कृती करण्याची ते गोलमेज परिषदा घेतात, ते निषेधाचे मोर्चे काढतात. अरे ज्यांच्यावर जबाबदारी काम करण्याची आहे ते काम न करता अशा पद्धतीनं नौटंकी करत असतील तर या महाराष्ट्रातल्या जनतेला आता या सगळ्यामधला या खरेपणा पटलेला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या भूमिका या वेगवेगळ्या आहेत. त्या जनतेच्या वतीनं आज भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावरती उतरली आहे आणि पुन्हा पुन्हा ज्या वेळेला वेळ येईल त्या त्यावेळेला जनतेसाठी आम्ही रस्त्यावरती उतरू. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.